रविन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल ने ये जो विश्वरंग का आयोजन किया है, इस आयोजन में रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्रों की प्रदर्शनी हो रही है। और जहाँ तक मेरी स्मृति है, इस तरह की कोई चित्रकला प्रदर्शनी टैगोर को लेकर इतने संपूर्ण ढंग से इसके पहले नहीं हुई है। और इसके साथ साथ यहाँ पर ब्रीदिंग स्टोन नाम की भी एक छाया चित्रों की प्रदर्शनी है, जो हमें शिल्प में पहली बार भारत भवन के इसमें हो रही है। मैं मानता हूँ कि इस तरह का ये जो अपूर्व आयोजन है, किसी यूनिवर्सिटी के द्वारा विश्व में पहली बार हो रहा है। और ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण इतिहास की घटना है, जिसे कि दर्ज किया जाना चाहिए। आज भारत भवन में विश्वरंग के नाम पर जो आयोजन शुरू हुआ है, उसमें अखिल भारतीय चित्रकला प्रदर्शनी एक आज संयोजित की गई है, जिसमें देश भर के युवा लोगों ने अपने काम दिए हैं। और करीब करीब 150 काम यहाँ आए हैं, जिसकी बहुत अच्छी एक प्रदर्शनी है। गैप आया है कि भारत में इस तरह का जो अभी नया इवेंट हुआ है, ये दोबारा होना शुरू हुआ है, तो मुझे ये लगता है कि फिर से एक काफ़ी लंबे अंतराल के बाद एक बड़े लेवल पे आर्ट और आर्टिस्ट लोगों को इकट्ठे करने का बहुत ही अच्छा एक ये माहौल क्रिएट किया गया है।